अगर आप लोग कम कीमत में एक अच्छा ट्राईपोड बाई करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने एक ट्राईपोड बाई किया है। इसकी मैं अनबॉक्सिंग आपके सामने करूँगा। ये आपको कम कीमत में अच्छा और अच्छी क्वालिटी का ट्राईपोड मिल जाएगा। इससे आपका काम अच्छी तरीके से चल जाएगा। अपने यूट्यूब की वीडियोस या किसी भी और प्रोजेक्ट की वीडियो आप अपने इस ट्राईपोड से बना सकते हैं। इसकी हम चलो इसको अनरैप अनबॉक्सिंग करते हैं। मैंने इसको अनरैप तो कर लिया था, ठीक है। अनबॉक्सिंग आपके सामने करते हैं, देखते हैं इसकी आपको हाइट कितनी मिलती है, इसकी क्वालिटी कैसी है, थिकनेस वगैरह, और इसके साथ में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये ट्राईपॉड है। इसके साथ में ये मोबाइल फ़ोन का होल्डर है। इसमें आप अपने मोबाइल फ़ोन को माउंट करेंगे और आपका जो ट्राईपॉड है वो ये है। मैक्सिमम अगर इसकी हाइट की बात करें तो शायद इसकी हाइट मैक्सिमम इन्होंने 7 फिट दिखाई दी। अभी आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, क्वालिटी एकदम अच्छी, एकदम बेस्ट क्वालिटी है। और इसमें वेट ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से करीब करीब 100-150 ग्राम का ही वेट होगा, इससे ज़्यादा वेट नहीं है। ये आपको 350 रुपीज़ के आसपास में आपको ये मिल जाएगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इस ट्राईपॉड स्टैंड को बाई कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट से आपको ये आसानी से मिल जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा खोल के दिखाते हैं आपको देखने में कैसा लगता है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी हाइट होगी वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आप कम कीमत में एक अच्छा ट्राईपॉड स्टैंड बाई करना चाहते हो तो आपके लिए सही रहेगा, एकदम बेस्ट है ये। ज़्यादा महंगा नहीं है और आप इसको आसानी से बाई भी कर सकते हैं। तो वो आप यहाँ पर, इन्होंने यहाँ से किसके माउन होल्डर दिए हैं, इन्हें खोलने के लिए आपको इन्हें यहाँ से ढीला करना होगा। इसके बाद में आप इसको जिस तरह से ओपन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं इस तरीके से, फिर इसको टाइट करेंगे। इसके बाद में अगर आप इसकी हाइट को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो इसके जो दो होल्डर है आप इनको भी यहाँ से ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद में अपनी चॉइस के अनुसार इसकी हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद में आपको जो मोबाइल फ़ोन का होल्डर है इसके साथ में आप इसको यहाँ से अटैच करेंगे। इसके दोनों तरीके से अटैच कर सकते हैं, इस तरीके से करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। चलिए इसको हम यहाँ से अटैच करेंगे। यहाँ पर जब आप अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करेंगे तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को यहाँ से माउंट कर सकते हैं अच्छे तरीके से, थोड़ा ध्यान से करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से आप अपने इसके होल्डर को यहाँ से अटैच कर लेंगे। इसके बाद में आप इसकी फिर फुल हाइट को चेक कर सकते हैं, और आपके लिए ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, कम कीमत का आपको आसानी से मिल जाएगा। जब आपका बजट अच्छा हो तब आप एक महंगा ट्राइपॉड स्टैंड भी बाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर इसकी फुल हाइट को देख सकते हैं, इसकी जो फुल हाइट है ये कितनी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, करीब करीब ही 7 फिट की हाइट के आसपास आपको देखने का मिल जाएगा। इसकी फुल हाइट आप देख सकते हैं करीब कितना ऊँचाई, मेरी करीब छत के आसपास तक जा रहा है। तो इस तरीके से इसकी इतनी फुल हाइट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप आज का ये ट्राईपॉड आपको अच्छा लगा होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी हाइट, वेट, थिकनेस कितनी है। तो वो आप अगर इसको आप होल्ड करके क्लोज करना चाहते हो तो यहाँ से इसको आप करेंगे, इसके बाद में इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद में आप इसको कहीं पर भी आसानी से लेके जा सकते हैं। वो आप एक इसके लिए अच्छा है, इसको फोल्ड करके आप कहीं से भी इसकी जितना मर्जी फोल्ड करके आप इसको आसानी से कहीं पे भी लेके यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर आपका वीडियो बनाने का मन हो आप वहीं पे जाकर आप अपनी अच्छी से अच्छी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वेट में ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल हल्का सा है, 100-150 ग्राम के इसकी में इसका वजन है। प्राइस इसका ज़्यादा नहीं है, 350 के आसपास से आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इसको बाई कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको इस ट्राईपोर्ट से और किसी और ट्राईपोर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वारी हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।